मेरे हाथ में डोनट का शेप देख के आपको क्या लगा होगा कि मेदू वड़ा होगा ऐसा, पर ऐसा तो कुछ नहीं है। ये वाली रेसिपी आप ब्रेड और योगर्ट से घर पे इजीली इवनिंग स्नैक्स में बना सकते हो। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, पहले तो ब्रेड लिए और उसके चूरे चूरे कर लिए। जैसे ही ब्रेड के चूरे चूरे हो गए, हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा राइस फ्लोर, थोड़ी सी सूजी और उसके बाद कटी हुई हरी मिर्ची और धनिया डाल देंगे। और उसी के साथ मैंने सॉल्ट और थोड़ा सा ब्लैक पेपर क्रश करके डाल देंगे। जैसे ही ये सारी चीज़ें हो जाए, उसके बाद हमें इसके अंदर डालना है योगर्ट। अभी योगर्ट डालते समय ध्यान में रखना कि आप थोड़ा थोड़ा करके डालो, क्योंकि हमें ये मिक्सचर को एकदम आटे के जैसा बनाना है, बहुत मोटा भी नहीं बहुत पतला भी नहीं, ताकि आप कुछ एक वड़ा बना सको, उस टाइप की थिकनेस इसकी रखनी है। बाकी यहाँ पे हाथों में तेल लगाना है और कुछ इस तरीके से आप कोई भी शेप दे सकते हो। मैंने मेदू वड़ा का शेप दिया है, आप अपने पसंद का कटलेट का भी शेप दे के बना सकते हो। अभी यहाँ पे क्या करना है, ऑयल गरम करना है और उसके अंदर मीडियम फ्लेम पे उसको फ्राई करना है। एक ही चीज़ ध्यान में रखनी है, फ्लेम ज़्यादा फास्ट नहीं होना चाहिए। अगर फ्लेम फास्ट होगा तो आपका जो अंदर का जो है वो पकेगा नहीं, वो जल्दी ही बाहर से जल जाएगा और अंदर से कच्चापन रहेगा। सो ट्राई करना स्लो फ्लेम पे करो और अपने मनपसंद डिप के साथ खा सकते हो। सो लाइक करना, शेयर करना और मुझे फॉलो करके जाना। थैंक यू।